तो हम क्या करेंगे उसमें थोड़े से ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जब सिक्स सेमेस्टर आए तो यार हमारे पास चांसेस हो, क्योंकि हमने ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करा हुआ है तो गूगल समर ऑफ कोड वाली चीजें हम निकाल पाए। इसके अलावा फॉर पीपल हु आर ग्रेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लोग कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उनको बेसिकली कॉन्टेस्ट लाइक ACM ICPC, फेसबुक हैकर कप, गूगल के कोड जैम हो रहे होते हैं, किक स्टार्ट हो रहे होते हैं, इन सब में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है ना। और हो सकता है तुम उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो तो वहां से कुछ जो कंपनीज है स्पेशली कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग को बहुत लाइक करती है, लाइक गूगल हो गई, डायरेक्ट आई हो गई, वो लोग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। हाय, मायसेल्फ पारेख हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप फॉर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, बट कुछ लोगों के लिए फाइनल ईयर भी होता है, जो BCA वगैरह कर रहे हैं उनके लिए फाइनल ईयर होगा। तो हमें थर्ड ईयर में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो एकदम प्रोडक्टिव ईयर हो और आउटपुट भी निकाल पाए। जैसे मैंने डिस्कस करा था एक सेकंड ईयर के रोड मैप वाली वीडियो में, वहां मैंने फोकस करा था कि सेकंड ईयर बहुत ज्यादा लर्निंग के लिए होता है। मेरे हिसाब से थर्ड ईयर बहुत ज्यादा प्लेसमेंट की तैयारी, इंटर्नशिप की तैयारी इसके लिए होता है, राइट, कि हमें अच्छी सी एक इंटर्नशिप मिल जाए या प्लेसमेंट मिल जाए एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, राइट। तो मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों को इंटर्नशिप तो पक्का निकाल ही लेनी चाहिए एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो मैं उसका कंप्लीट एक रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा पूरा अच्छे से थर्ड ईयर निकले और हम आउटपुट भी प्रोड्यूस कर पाए। सीख तो रहे थे बट अब रिजल्ट भी ला पा रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी या इंटर्नशिप पा पा रहे हैं, ठीक है। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। तो यार मैंने लास्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो भी बनाई थी, उसमें काफी लोगों ने मुझे बोला भी थर्ड ईयर वालों ने कि आपने हमारे लिए क्यों नहीं बनाई है, तो ये तुम्हारे लिए भी है वीडियो, है ना। तो यार बेसिकली क्या करना चाहिए हमें थर्ड ईयर में, देखो सबसे पहली बात, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो थर्ड ईयर में DSNL को अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा है, देखो उसके बिना तुम्हारा प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होने वाला। तो ये सबसे पहले उनके लिए है, अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स नहीं करा है तो टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, कभी कोई चीज लेट नहीं होती है, आज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि करना ही पड़ेगा, दैट इज द स्टार्ट। तो अगर नहीं करा है टेंशन नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे और सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे जल्दी सीखें, हम थोड़े से ज्यादा घंटे लगाए, बिकॉज अगर हमने पहले नहीं करा तो हमें ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा ना, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर लिए होते थे तो थोड़ा सा कम एफर्ट मारना पड़ता, बट अब सीखने में ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो बी रेडी टू पुट 7 to 8 hours, है ना, थर्ड ईयर में ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं तुम 4 महीने में DSNL algorithms अच्छे से सीख लो, एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कर लो, 200 से 250 क्वेश्चंस कर लो, 20 से 30 क्वेश्चन हर टॉपिक के कर लो, और ठीक ठाक हो जाओ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में, कि तुम्हें पता तो हो कि ये प्रॉब्लम लिंक्ड लिस्ट से सॉल्व हो जाएगी, ये प्रॉब्लम प्रायोरिटी क्यू से सॉल्व हो जाएगी, उस स्टेज पे आ जाओ, राइट। 4 महीने लगेंगे बट दे देते हैं, ठीक है, सीखने पे फोकस करेंगे। वंस दैट इज डन हम लोग आगे चलेंगे और क्या करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहेंगे, प्लस कुछ स्किल सीखेंगे डेवलपमेंट में या कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में, या कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सीखेंगे जिससे कि हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़े। बट दैट इज फॉर श्योर, जिसने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स नहीं करा है उसको पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ही करना चाहिए, चाहे 4 महीने लगे चाहे 5 महीने लगे, एफर्ट ज्यादा मारो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो, एंड डेफिनेटली ट्राई टू एक्सेल इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, ठीक है। नाउ जिसने कर लिया था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पहले ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसको कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, ठीक है। अगर कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग पहले करा है तो ठीक है, बट आई थिंक अब तुम्हें थोड़ा इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए, है ना, वो तुम कोड स्टूडियो से कर सकते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द इंटरव्यू प्रॉब्लम्स, कि गूगल के कौन से क्वेश्चन है, अमेजोन के क्वेश्चन कौन से हैं, राइट, माइक्रोसॉफ्ट के कौन से क्वेश्चन है, जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जनरली क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं उसके क्वेश्चन हमें थोड़े प्रैक्टिस करने चाहिए, कि हम इंटरव्यू में अच्छे से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो हमें थोड़े से इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहने चाहिए इन द थर्ड ईयर। दिस इज रिगार्डिंग द डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, कि जिसने पहले नहीं करा वो सीखेगा, जिसने करा हुआ है वो प्रैक्टिस करेगा, बट प्रैक्टिस थोड़ी इंटरव्यू प्रॉब्लम्स टाइप करेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। नाउ व्हाट एक्स्ट्रा थिंग्स, देखो यार एक बात मैं बोल रहा हूँ, जिनकी ऑन कैंपस में इंटर्नशिप्स आती हैं, चाहे जितना भी रेडी हो बैठना जरूर, रिजेक्शन होंगे कोई बात नहीं, तुम्हें पता तो लगेगा होता कैसे है, तो जो ऑन कैंपस वाले हैं उनको बैठना जरूर है, है ना, जैसा मर्जी हो, एक्सपीरियंस होगा तुम्हें पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो जिससे कि तुम इफेक्टिवली प्लेसमेंट के टाइम को अच्छा कर पाओ, और क्या पता एक मीडियोकर परफॉर्मेंस से भी तुम्हारी इंटर्नशिप निकल जाए, ठीक है। तो ऑन कैंपस वालों को ट्राई जरूर करते रहना चाहिए, जितना सीख लिया है उसी से हम ट्राई करते हैं, नहीं निकलेगा तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर देख लेंगे क्या करना है, राइट। ऐसा नहीं है हमारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है, आएंगी, दोबारा आएंगी, बट अभी थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेता है, दैट विल रियली हेल्प अस इन फ्यूचर। तो ये ऑन कैंपस वालों के लिए था।
इसके अलावा इन जनरल बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली प्लेसमेंट रेडी या इंटर्नशिप रेडी बनना है। तो यार DSNL को कर लिया, अब हमें बेसिकली थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स वाला वर्टिकल अच्छे से करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वाला वर्टिकल मतलब या तो ऐप डेवलपमेंट हो गया, या वेब डेवलपमेंट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इनमें से कोई ना कोई एक डोमेन में एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट होना चाहिए और वो लाइव होना चाहिए, राइट। वेब है तो लाइव वेबसाइट हो, ऐप है तो लाइव ऑन प्ले स्टोर हो, मशीन लर्निंग हो तो गिटहब पे ढंग से हो, डेमो हो, ये सब सब कुछ ना कुछ होना चाहिए। आइडियली मैंने ये सेकंड ईयर के रोडमैप में बताया था कि पहली हो जाना चाहिए, अगर है तो बहुत सही है, तुम थोड़ा सा ओपन सोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन सोच सकते हो फिफ्थ सेमेस्टर में, कि यार मैंने सीख तो लिया, आप थोड़ा सा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा जब सिक्स सेमेस्टर आएगा तो GSOC टाइप की चीज होती है, गूगल समर ऑफ कोड, वहां से तुम्हारे को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है और भी होते हैं लाइक GSOC, वहां पर तुम ट्राई आउट कर सकते हो। तो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर ट्राई कर सकते हो तो ये प्रोजेक्ट्स वगैरह पे बहुत अच्छे से काम करो और एक आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करो, उसके बाद तुम ओपन सोर्स में थोड़ा ट्राई करो, एंड दैट विल रियली हेल्प इन योर सिक्स सेमेस्टर टू गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। अगर वो GSOC वगैरह नहीं भी निकल पाता तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बड़े स्टार्टअप्स, स्विगी, जोमैटो वगैरह, या फिर बेसिकली स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स भी हैं जो इवेंचुअली शायद बड़े हो जाए, वहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी इंटर्नशिप की, और जितना सीखने को मिलेगा ना वहां, वहां से तुम्हारे को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर तुम्हें प्लेसमेंट बड़ी कंपनीज में चाहिए या कहीं और चाहिए तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में ट्राई करते हैं, DSNL को तो अपना अच्छा हो, अच्छा है तो उसको मेंटेन करेंगे साथ साथ, और थोड़ा प्रोजेक्ट्स भी अच्छे करेंगे, अगर प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं तो ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। दिस इज द रोड मैप यू कैन फॉलो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, कि जैसी तुम्हारी जितना भी तुमने सीखा हुआ है उस हिसाब से तुम कर सकते हो, क्या जितना पहले ज्यादा सीखा हुआ है उतना ज्यादा तुम अब काम कर पाओगे, अगर पहले कम भी करा हुआ है तो टेंशन मत लेना, इतना भी कर लोगे तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अच्छे से काम करना है, एंड दैट विल रियली हेल्प। इसके अलावा फॉर पीपल हु आर ग्रेट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो लोग कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से करते हैं, उनको बेसिकली कॉन्टेस्ट लाइक ACM ICPC, फेसबुक हैकर कप, गूगल के कोड जैम हो रहे होते हैं, किक स्टार्ट हो रहे होते हैं, इन सब में डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है ना। और हो सकता है तुम उसमें बहुत अच्छा कर लो तो वहां से कुछ जो कंपनीज है स्पेशली कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग को बहुत लाइक करती है, लाइक गूगल हो गई, डायरेक्ट आई हो गई, वो लोग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, एंड लोगों को देखा है मैंने, लोगों ने निकाली है उससे अपॉर्चुनिटीज, बट उसमें यही है बहुत हाई लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए, अगर तुम्हारे पास है तो उसको मिस मत करो, राइट। फॉलो दैट पाथ, आई थिंक दैट विल रियली हेल्प इन योर एक्सेलिंग इन योर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये तो हो गई हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम बाद में इंटर्नशिप रेडी या प्लेसमेंट रेडी हो जाए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद मैंने सेकेंड ईयर वाले में भी नहीं बोला था, ये मैंने जनरली तब बोलता हूँ जब इंटरव्यूज आने वाले हों, तो अपना एप्टीट्यूड, ऑपरेटिंग सिस्टम और DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये चार चीजें हैं जिसके तुम्हें फंडामेंटल्स अच्छे से कर लेने चाहिए बिफोर गिविंग द इंटरव्यूज, ठीक है। अगर तुम इंटर्नशिप के इंटरव्यूज में भी जा रहे हो तो वहां पर पूछा जा सकता है ना, आज की डेट में थोड़ा सा काम होता है। DSNL को करना था वो हमने कर लिया, प्रोजेक्ट्स कर लिया, करना था वो हमने कर लिया, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, OS हो गया, डेडलॉक क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है वो हमें कर लेने चाहिए, है ना। DBMS में से मेरे लिए SQL क्वेरीज कैसी लिखी जाती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये सब हमें अच्छे से कर लेना चाहिए, एप्टीट्यूड की थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, ये सब तुम कर सकते हो, हमारे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो, वी हैव अ प्लेटफॉर्म नेम कोड स्टूडियो, जहां पर सब कुछ है ये सब प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीज एक्सप्लोर दैट, है ना। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो वहां से बहुत अच्छे से कर सकते हो, मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन फॉलो, इन चीजों को मिस मत करना। इसके अलावा जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अच्छे थे उन्होंने कॉन्टेस्ट में वो रेगुलरली दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट वगैरह में अच्छे हैं वो लोग बेसिकली ओपन सोर्स में कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं। नाउ एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर तुम्हारे रिज्यूमे पे DSNL होगा, प्रोजेक्ट्स होगा, ओपन सोर्स होगा तो वेल एंड गुड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट की रैंक होगी तो वेल एंड गुड, आई थिंक यू आर इनफ रेडी। अब खुद को बेचना शुरू कर दो, मतलब अप्लाई इतना करना शुरू कर दो लिंक्डइन पे कि लोग तुम्हारे को रोक ना पाए, रिक्रूटर्स को मेल करो, राइट, जो बंदे वहां काम कर रहे हैं उनको मेल करो, क्योंकि जो तुम्हें करना था, सीखना था, वो सब कुछ कर चुके हो, अब खुद को बस बताना है देखो मुझे ये आता है और मुझे अपॉर्चुनिटी दो और मैं फोड़ूंगा, राइट। दिस इज वॉट यू नीड टू डू टू क्रैक दीज कंपनीज, है ना। अब चाहे वो बड़ी MNC हो, उसमें जाना थोड़ा सा ऑफ कैंपस निकालना इंटर्नशिप्स के लिए थोड़ा टफ होता है, बट प्लेसमेंट के लिए डेफिनेटली तुम ट्राई आउट कर सकते हो, बट लोगों को पिंग करो, क्या होगा, मना कर देंगे, बट ट्राई नहीं करेंगे तो पता ही नहीं लगेगा ना, तो तंग करते हैं लोगों को, रीच आउट करते हैं और अपने आप को बेचते हैं, राइट। रिज्यूमे एकदम टॉप क्लास रखो, अच्छे से रिज्यूमे की प्रैक्टिस फॉलो करो जो हमें करनी चाहिए, कि अलाइंड होना चाहिए, राइट, फालतू की चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट ढंग से डिफाइंड होना चाहिए, टेक स्टैक क्या है, ये अगर हमने अच्छे से फॉलो कर लिया, आई थिंक हम लोग इनफ रेडी हैं कि हमने जो जो सब बताना था हमने सब बता दिया,
हम बेसिकली हाथ पांव मार रहे हैं अब, और आई थिंक इतना हाथ पांव मारोगे पूरे साल में तो कहीं ना कहीं तुम्हारी इंटर्नशिप लग जाएगी, है ना। क्या क्या चेक बॉक्सेस थे जो हमें फुलफिल करने थे? डीएसएन एल्गो अच्छा होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, वो है डन। तो कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग, कोई भी एक हो उसमें अच्छा करेंगे, उसमें प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। वो भी अगर डन है तो हम ओपन सोर्स की कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो भी डन है तो हम सिक्स सेमेस्टर में थोड़ा सा लाइक जीसॉक और इस टाइप के कॉम्पिटिशन में ट्राई आउट करेंगे, कहीं ना कहीं निकल जाए। अगर वो भी हो गया, नहीं भी हुआ, वो दैट इज नॉट अ नेसेसिटी। अब हम बेसिकली एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हम अप्लाई करना शुरू करेंगे, रिज्यूमे बनाएंगे और खुद को बेचना शुरू करेंगे। आई थिंक इससे हमारी काफ़ी सही इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। इसमें फैक्टर क्या था, एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामर्स जो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं वो लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोगों को लगता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है वो लोग ना करें, है ना, फायदा नहीं होगा। बट गूगल कोड जैम, हैकर, किक स्टार्ट, ये सब जो हाई लेवल के कॉन्टेस्ट है उन पर हम रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। कोड फोर्सेस, कोड शेफ पे तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं टू मेंटेन द फ्लो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, आई थिंक दिस इज डन। इसके अलावा एक जो चीज मैं रिकमेंड करूंगा, तुम जब इंटरव्यू, जब आप डीएससी की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टॉपिक वाइज मत करो, थोड़ा कंपनी स्पेसिफिक पे आ जाओ कि अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या स्टार्टअप्स के जो है उनमें डीएससी के क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, राइट। बिकॉज आई थिंक यू हैव डन इनफ डीएससी, अब थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन करने हैं तो अपने को इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो डीएससी की रेगुलरली, वो इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप ज्यादा करो रैदर देन टॉपिक वाइज। वो तुम सीख चुके हो, वो काम नहीं आएगा, थोड़े रैंडम क्वेश्चन करोगे दैट विल रियली हेल्प टू एक्सेल इन योर इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू में रैंडम प्रॉब्लम आएगी, राइट। कोई ऐसे तुम्हें बताएगा नहीं कि एरे की प्रॉब्लम है या इसमें हैश मैप ही लगेगा, राइट, वो खुद से सोचना होगा। तो थोड़ा इंटरव्यू बेस्ड प्रॉब्लम करो, दैट विल रियली हेल्प इन योर इन एक्सेलिंग इन योर इंटरव्यूज, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक रोड मैप बता दिया है ना, ऐसी मैंने सेकंड ईयर का भी बताया था, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखे तो डेफिनेटली वो फॉलो करो, है ना। और अगर तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो कि तुम चाहते हो मैं इन वीडियोस में ध्यान रखो, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। जो भी फीडबैक हो, बुरा हो, अच्छा हो, बताओ उसे कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगता है हमें कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो प्लीज टेल दैट इन द कमेंट बॉक्स, है ना। लाइक एंड शेयर करो वीडियोज को, सब्सक्राइब करो चैनल को, आई थिंक वी आर पुटिंग लॉट ऑफ वीडियोज हियर, है ना। इसके अलावा मैं वैसे एक रिकमेंड करूंगा, हमने स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हैं कंपनीज की बहुत सारी, वो तुम्हें अच्छे से पक्का से देखनी चाहिए, तुम्हें आइडिया लगेगा कि कंपनीज क्या क्या पूछा जा, क्या क्या पूछ रही है, हमें कैसे कैसे क्या क्या ध्यान रखना है। तो प्लीज उन वीडियोस को ध्यान से देखो। बाकी ओवरऑल आई थिंक अगर ये रोड मैप अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लग जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर यू फॉलो दिस रोड मैप थॉरली, एंड आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू एक्सेल इन एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटी।